ऑल राइट सो गाइज, आज हमारी बातचीत होने वाली है इस मोटरसाइकिल के बारे में। सो दिस इज द ऑल न्यू बजाज पल्सर N160 BS6 फेज 2। बात करेंगे इसके प्राइस, फीचर्स, माइलेज और स्पेसिफिकेशन के बारे में। सो चलिए शुरू करते हैं। फ्रंट लुक आपको कुछ ऐसा देखने को मिलता है, ह्यूमन शेप में फ्रंट लुक दिया गया है। आई थिंक ये डिज़ाइन की इंस्पिरेशन जो है वो MT15 से लिया गया था। यहाँ पर आपको देखने को मिलता है एक ह्यूज LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प, और उसके साथ साथ यहाँ पर दो आई शेप में पायलट लैंप भी प्रोवाइडेड, जो कि एक DRL की तरह काम करती है। अभी बाइक की इग्निशन है, लेकिन इग्निशन ऑन करने के साथ साथ ये DRL नहीं जलती है। इसके लिए बाइक के इंजन को स्टार्ट करना पड़ेगा। और ये चीज़ आपको NS160, NS200, NS125 कहीं पर भी देखने को नहीं मिलती है। और हेडलाइट के लिए इसमें एक प्रॉपर स्विच दी गई है, ताकि आप अपने ज़रूरत के हिसाब से हेडलाइट को ऑफ ऑन कर सको। हेडलाइट को जलाने के बाद एक प्रॉपर ह्यूमन शेप वाली डिज़ाइन इससे निकल के आती है, और जस्ट उसके नीचे आपको मिल जाता है मगगार्ड। मगगार्ड इज़ अगेन लुक सो प्रीमियम। यहाँ पर भी कुछ प्रीमियम टच दी गई है। ये मगगार्ड 2 पार्ट में है, ऊपर वाला एक अलग पार्ट, नीचे वाला एक अलग पार्ट। मगगार्ड में डुअल चैनल ABS की बैजिंग देखने को मिलेगा। येस, इट हैज़ डुअल चैनल ABS, और सिंगल चैनल ABS का भी ऑप्शन है। आप चाहो तो सिंगल चैनल ABS के साथ भी जा सकते हो। टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दिया गया है, USD की कोई भी ऑप्शन नहीं है। और सस्पेंशन में आपको रिफ्लेक्टर भी देखने को मिलेगा, लेकिन NS में आपको USD सस्पेंशन देखने को मिलती है। और जो टायर साइज इसमें आपको देखने को मिलेगा वो है 100x80 R17 inches का यूरो ग्रिप टायर आपको देखने को मिलती है। और इस तरफ आपको देखने को मिलती है डिस्क ब्रेक, जिसकी साइज़ है 300mm। पैडल डिस्क नहीं है, ये नॉर्मल डिस्क है, लेकिन साइज़ में काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। और यहाँ पर भी ABS डुअल चैनल की बैजिंग दी गई है। और कैलिपर्स में आपको ग्रीमेका की बैजिंग भी देखने को मिलेगा। और सिंगल हॉर्न इस बाइक में आपको देखने को मिलेगा। चलिए हॉर्न का आवाज़ भी एक बार सुन लेते हैं। और अब बात करते हैं बाइक की मेन चीज़, इंजन के बारे में। सो ये इंजन 164.28 cc की ऑयल कूल्ड फ्यूल इंजेक्टेड इंजन है, जो कि 16 PS की पावर और 14.65 Nm की टॉर्क प्रोवाइड करती है। इंजन काउल इसमें दी गई है, जो कि अगेन 2 पार्ट में है, लेकिन N150 में आपको सिंगल पार्ट वाला इंजन काउल देखने को मिलती है। लुक्स वाइज ये चीज़ बाइक को काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी लुक प्रोवाइड कर रहा है, और इसका जो क्वालिटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। और ये रहा इसका राइडर फुटरेस्ट, उसके आगे ये ब्रेक पैडल। इसमें आपको स्पोर्टी वाला ब्रेक पैडल देखने को मिलती है, लेकिन N150 में आपको वही ओल्ड फैशन वाला ब्रेक पैडल देखने को मिलती है। सो ये भी एक डिफरेंस है विथ N150 एंड N160 में। रियर में भी आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिलती है, जो कि स्टैंडर्ड है इस बाइक में। उसके साथ ये शॉर्ट एग्जॉस्ट टेल पाइप। बात करें मटेरियल क्वालिटी की, सो दिस इज़ सो गुड। काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आया है मटेरियल क्वालिटी में। ये इस यहाँ पर जो मटेरियल दी गई है, ये थोड़ा सा अलग लग रहा है मुझे, कुछ ब्रश एलुमिनियम जैसा फील दे रहा है। और कुछ इस टाइप की ग्राफिक का काम आपको पूरी बाइक में देखने को मिलेगा। काफ़ी ज़्यादा सटल लुक इस बाइक में देने की कोशिश की गई है। यहाँ पर आपको N160 की बैजिंग देखने को मिलेगा। इसके पिनियन फुटरेस्ट, और इस बाइक पे आपको देखने को मिलेगा 7-स्टेप एडजस्टेबल मोनोशॉक। देन यहाँ पर आपको डिस्क ब्रेक, यहाँ पर मैंने आपको बता दिया डुअल चैनल डिस्क ब्रेक स्टैंडर्ड आती है, और डुअल चैनल ABS, सिंगल चैनल ABS, आप दोनों के साथ ही जा सकते हो। जो प्राइस है वो मैं आपको स्क्रीन में मेंशन कर दूंगा। उसके पीछे ये रहा इसका टायर, 130x70 R17 inches का टायर साइज आपको रियर में देखने को मिलेगा। देन टायर हागर भी आपको इस बाइक में प्रोवाइडेड है। सो कीचड़ वीचर जैसे जगह में आपको ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाला है। ये रहा इसका रियर लुक, कुछ इस टाइप की रियर लुक आपको इस बाइक में देखने को मिलेगा। इसकी रियर लुक कैमरा में उतना ज़्यादा जज नहीं कर पा रहा होगा, लेकिन जो रियर लुक है वो N150 से N160 में रियर लुक थोड़ा सा ज़्यादा एग्रेसिव दिया गया है, क्योंकि इसमें ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये थोड़ा सा बड़ा कर दिया गया है। और ये हैलोजन इंडिकेटर लाइट आपको देखने को मिलेगा। ये यहाँ पर एक लाइट दी जाती है, ताकि आप नंबर प्लेट को अच्छे से रीड कर पाओ। रिफ्लेक्टर दी गई है, इस तरफ भी हैलोजन इंडिकेटर। बात करें साइड लुक की, तो साइड लुक भी काफ़ी ज़्यादा गॉर्जियस लुक में दी गई है। और इसमें जो कलर ऑप्शन मिलता है वो भी मैं आपको स्क्रीन में दे दूँगा, आप चाहो तो अच्छे से देख सकते हो। और बजाज पल्सर की ये एक अलग पार्ट है, वो लोग काफ़ी ज़्यादा सटल डिज़ाइन करते हैं अपने बाइक में, सिंपल एंड सोपर में रखने की कोशिश करते हैं, ताकि ये लॉन्ग टाइम तक ये लुक आपको अच्छी लगे। छपरी लोगों के लिए ये लुक नहीं है, ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड टाइप की लुक है। देन यहाँ पर आपको ग्रैप रेल देखने को मिलेगा, काफ़ी इसकी भी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है।
795 mm की सीट हाइट देखने को मिलती है 165 mm की ग्राउंड क्लियरेंस के साथ। और बात करें सीट की कंफर्ट की, सो कंफर्ट वाइज दिस इज स्पोर्टी, लिटिल स्पोर्टी और काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल भी है, आप लॉन्ग टूर इससे इजीली कर पाओगे। बट पिलियन के लिए ये उतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होगा, पिलियन के लिए थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। 5-speed गियर बॉक्स आपको इस बाइक में देखने को मिलेगा और साइड स्टैंड कटअप सेंसर जो कि आजकल हर बाइक में आने लगा है, वो फीचर्स भी आपको इस बाइक में देखने को मिल जाता है। साइड पैनल में आपको पल्सर की जो बैजिंग है वो आपको देखने को मिल जाएगा, ये क्रोम में है लेकिन N150 में ये इसको डीक्रोम कर दिया गया था, उसमें ब्लैक कलर में पल्सर की बैजिंग आती है लेकिन यहाँ पर ये क्रोम फिनिशिंग में है। और बात करें फिट एंड फिनिश की, सो फिट एंड फिनिश के मामले में देयर आर एब्सोल्युटली नो कंप्लेन, बजाज की तरफ से फिट एंड फिनिश में कुछ भी खामी यहाँ पर नहीं छोड़ी गई है। देन यहाँ पर आपको मोबाइल चार्जिंग पॉइंट देखने को मिलता है जो कि सेगमेंट की ऑलमोस्ट हर बाइक में ही ये फीचर सब अवेलेबल कर दिया गया है। देन यहाँ पर आपको E20 की बैजिंग देखने को मिलेगा, सो ये बाइक फ्लेक्सुअल पेट्रोल से भी चल सकता है और जो इसका फ्यूल टैंक कैपेसिटी है वो आपको 14 लीटर की देखने को मिलती है जो कि सेगमेंट के हिसाब से करीब करीब 2 लीटर ज़्यादा है। 160 की सीसी के अंदर अदर बाइक में आपको 12 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिलती है। सो अब बात करते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में, सो बिफोर आई टॉकिंग अबाउट इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर लेट्स सी द व्यू। जो व्यू यहाँ से आ रहा है दिस इज़ वेरी वेरी सेक्सी। P150 में आपको क्लिप ऑन हैंडल बार मिल जाता है लेकिन इस बाइक में आपको ये ट्यूब वाला हैंडल बार दी गई है। और ये रहा इसका चाबी, कुछ ऐसा चाबी इसका देखने में लगता है, टिपिकल बजाज पल्सर की चाबी इसमें दी जाती है। और ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर बजाज की जो N सीरीज़ की बाइक है और इवन P150 में भी आपको सेम इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दी जाती है। काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया ये लुक है, फ्रेमलेस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, सो दिस इज सो गुड। लेट्स टर्न ऑन द इग्निशन, सो इग्निशन ऑन करने के साथ साथ आपको कुछ ऐसा व्यू ये प्रोवाइड करता है। और इस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आपको स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, टैकोमीटर और जो नॉर्मल इंडिकेटर होती है वो सब कुछ आपको यहाँ से शो हो जाएगा, बट ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वाला फीचर्स आपको देखने को नहीं मिलता है। और क्लस्टर को ऑन करने के बाद तो ये और भी ज़्यादा क्लासी लग रहा है। और बात करें स्विच गियर की, सो देयर सो प्रीमियम, बहुत ही बढ़िया प्रीमियम फील ये स्विच गियर प्रोवाइड करता है। ये इसका लाइट ऑफ ऑन करने की स्विच और इसके ऊपर आपको इंजन कट ऑफ स्विच देखने को मिल जाती है। 160 सीसी के अंदर बहुत ही बढ़िया एक ऑप्शन बजाज लेकर आया है मार्केट में। मेरा ये रिक्वेस्ट है आपसे, बिफोर यू चूज़ अदर बाइक एक बार इस बाइक को ज़रूर देखना। और इस तरफ आपको देखने को मिलता है हॉर्न, टर्न इंडिकेटर और हाई बीम एंड लो बीम की स्विच। बात करें क्लच की, सो क्लच सो लाइट सिटी में हाईवे में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी इस क्लच से, लेकिन कोई भी एडजस्टेबल क्लच या फिर ब्रेक लीवर की ऑप्शन इसमें नहीं दी गई है। सो गाइज ये था आज का वीडियो, आई होप वीडियो के थ्रू आपको एक आइडिया मिल गया होगा हाउ इज़ दिस बाइक। सो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो फिर वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और ये शोरूम का जो एड्रेस है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। थैंक यू सो मच।